YouTube परिवार प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत। चलिए आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, और इससे पहले भी इसका पार्ट वन हम आपके बीच दे चुके हैं, तो आज हम पार्ट टू में बताने वाले हैं। पार्ट वन में 39 यानी 38 तक ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, आज 39 से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है, वृत्त का केंद्र ओ बिंदुओं से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र ओ लीजिए, इससे दो स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक ना, पी ए पी बी, और ये कुल कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 80 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक ना। तो हमसे मांगा क्या जा रहा है, ये कौन का सिंबल है? कौन कह रहा है पी से ओ पर आइए, ओ से फिर कहाँ चले जाइए? ए पर, यानी हमको हे ही कौन मांगा जा रहा है। तो आप जानते हैं स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या द्वारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। कुल ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए ऊपर कौन सा आकार बन रहा है? त्रिभुज का, एक दो तीन, यानी त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले कोण ए प्लस कोण ए पी ओ प्लस कौन पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ए का वैल्यू 90 डिग्री और पी का वैल्यू 40 डिग्री और पी ओ ए ज्ञात करना है। 180, 40 और 90, 130 हो गया, प्लस पी ओ ए बराबर 180। पी ओ ए 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। अब देखिए ऑप्शन में 50 डिग्री कितना में है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आपने देखा कि सबसे पहले वो कह रहा था केंद्र ओ वाला एक वृत्त लीजिए, तो हमने एक वृत्त लिया जिसका केंद्र ओ है, और कह रहा है कि बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा पी ए पी बी, देखिए पी ए पी बी स्पर्श रेखा कितना पर? 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो कौन पी ओ ए का मान ज्ञात करना है। तो पी ओ ए का मान कितना निकला? 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए पी बी, तो किसी बिंदु बाह्य से पी से स्पर्श रेखा खींचा, एक इधर खींचा एक इधर खींचा, ठीक ना, एगो का नाम पी ए एगो का नाम पी बी खींची गई, तो पी ए का मान 4 cm, तो क्या मांग रहा है? पी बी का मान, तो ये भी होगा 4 cm। रीजन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो इसीलिए पी ए का जो मान होगा वही पी बी का मान होगा, तो पी बी का 4 cm। ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। याद रखिएगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो पी ए का मान 4 cm दिया था, तो पी बी का भी मान 4 cm होगा। आगे बढ़ते हैं। इकतालीस नंबर, अब कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से
खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होती है। अब देखिए, सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं जिसके व्यास लेते हैं और व्यास के सिरों पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा। क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। पूछ रहा है ये दोनों कैसा रेखा, तो देखिए ये है समांतर, ये होता है हमेशा समांतर। रीजन है कि यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, और वैसे दो रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या नहीं काटे उसे समांतर रेखा कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई P और PB। चलिए सेम वही प्रश्न, एक बाह्य बिंदु हम P लेते हैं और इससे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक ना, PA और PB। तो कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर, ठीक ना, 60 डिग्री पर झुकी है। हमको मांग रहा है पी ओ ए, पी से ओ चले जाइए, ए चले जाइए, यानी ए ही मांग रहा है। यानी ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण, वही कोण ए प्लस कोण पी ए ओ प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180। ए का मान 90 प्लस इसका कितना मान है? 30 डिग्री, सॉरी, हाँ 30 डिग्री, और प्लस पी ओ ए बराबर 180, पी ओ ए बराबर 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वृत्त का आकार समान नहीं हो सकता है, परंतु देखने में स्वरूप एक जैसा जरूर हो सकता है, इसीलिए यह समरूप होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चाहे सभी वर्ग हो, सभी वृत्त हो, सभी समबाहु त्रिभुज हो, ये समरूप हो सकते परंतु सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वांगसम के लिए आकार बराबर होना अनिवार्य होता है। कारा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखिए, पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर, दुगुनी करेंगे तो क्या होगा? दुगुनी करने पर त्रिज्या बना 2R। अब क्या कह रहा है? पुराने एवं नए, तो अनुपात निकालना है। पुराने हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर और नए हो जाएंगे पाई 2R का स्क्वायर। पाई पाई तो पहले से कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर बटे 4R स्क्वायर कट गया, 1:4, 1:4 आपका ऑप्शन बी होगा, 1:4 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1:4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो सबसे पहले त्रिज्या बराबर आर, आधी करने पर त्रिज्या बराबर आर बाय टू। फिर क्या कह रहा है, पुराने एवं नए, तो पहले पुराने का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है नए का हो जाएगा पाई आर बटे टू का स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बटे एक, निचल का दो का स्क्वायर चार, ऊपर आर स्क्वायर नीचे कट गया। इसका हो जाएगा 4:1, 4:1, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, यानी पाई आर वन का स्क्वायर बाय पाई आर टू का स्क्वायर बराबर 4:1, ये अनुपात है। तो पाई पाई कैंसिल, अब अपना अपना उधर भेजेगा, तो आर वन बटे आर टू √4 √1, तो हो जाएगा आर वन अनुपात आर टू बराबर 2:1, तो 2:1 ऑप्शन बी आंसर होगा। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात। कारा एक वृत्त एक दूसरे के क्षेत्रफल का 16 गुना, दूसरे वृत्त के, एक वृत्त जो है ना दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल और उसके बाद दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, इसका जो है ना, इसमें आप 16 से गुना कर दीजिएगा ना, तब आपस में क्या होगा बराबर, दूसरा वृत्त इधर गुना में, इधर आके भाग में। पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 16, नीचम नहीं कुछ तो एक, आराम से क्या करना है, पाई आर वन स्क्वायर बटे पाई आर टू स्क्वायर 16/1, पाई पाई कैंसिल, आर वन बटे आर टू √16 √1, तो हो जाएगा आर वन अनुपात आर टू बराबर 4:1, तो 4:1 ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन इसका क्या होगा डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका डी 4:1। कारा बेलन तथा शंकु के आधार एवं वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:1।
आधार, आधार के त्रिज्या का अनुपात 3:4 तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3। चलिए, यानी बेलन तथा शंकु के आधार के त्रिज्या का अनुपात दे, बेलन की त्रिज्या आपका हो जाएगा यानी 3 और शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 4। बेलन की ऊंचाई आपका हो जाएगा 2, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 3। तो आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात तो हो जाएगा बेलन का पहले तो पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कैंसिल। अब देखिए इसका त्रिज्या कितना है बेलन का, 9 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, 2 होए, नीचे हमने कुछ तो 1 निचल का 3 चला जाएगा ऊपर, और फिर इसका आर का मान कितना है, 4 × 16, और ऊंचाई कितना है इसका 3। देखिए अब 3 से 3 कट गया, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो 9:8, 9:8 हो, तो 9:8 ऑप्शन ए होगा, 9:8 ऑप्शन ए होगा, 9:8 ऑप्शन ए होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दो गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, यहां पर भी मिस्टेक है, 8:27 हुआ, 8:27 है, उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो चलिए सबसे पहले आयतन का अनुपात दिया हुआ, यानी पाई 4/3 पाई r1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 का क्यूब कितना दे ले, 8/27। 4/3 4/पाई पाई कैंसिल, तो हो जाएगा r1/r2, तो घन 8 का, फिर 27 का घन, तो हो जाएगा इसका कितना, r1/r2 बराबर हो जाएगा 2:3। ठीक ना, कह रहा है सतह का क्षेत्रफल का अनुपात। तो चलिए 4π r1 का स्क्वायर 4π r2 का स्क्वायर, यही करना है, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, r1 का मान 2, r1 का मान 2 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर, यानी 4:9 हो, 4:9 ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 4:9। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात, तो उनके वक्र पृष्ठों क्षेत्रफल का अनुपात, बहुत आसान, यानी पाई r1 का स्क्वायर h पाई r2 का स्क्वायर h, क्योंकि दोनों का समान ऊंचाई,
एगो 9/16 पाए पाए कैंसिल, एच एच कैंसिल, R1/R2 √9 √16 यानी R1 अनुपात R2 3:4। अब कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाए R1 स्क्वायर, सॉरी वक्र न है, 2π R1h 2π R2h, 2 कैंसिल, पाए पाए कैंसिल, एच एच कैंसिल, R1 का मान कितना है 3/4 यानी 3:4 होगा, 3:4 ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 51 नंबर सवाल, 51 कराए माध्यक का 3 गुना और माध के 2 गुना के अंतर कहलाता है बहुलक, बहुलक कहलाता है, बहुलक याद रखिएगा बहुलक। कह रहा है a-b, a और a+b का मान, तो माध निकालने के लिए a-b + a + a + b कुल क्या गो सदस्य है 3 को 3 से भाग दीजिए। अब देखिए a b b खत्म हो गया, 3a/3 3 3 3 कैंसिल, a आंसर इज राइट a नंबर, इसका आंसर a होगा, इसका आंसर ए होगा 52 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए क्या कह रहा है, 4, 4, 5, 9, 11 और एक्स का माध 7, माध बराबर 4 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ x बटे कितना है 5 है, माध कितना 7, 9 9 18 18 11 29, 18 29 हो जाएगा, 29 + x/5 कोना कोनी गुना यानी 29 + x 7 5 35 यानी x = 35 - 29 यानी कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 6, इसका आंसर 6 होगा। चलिए राइट आंसर 6, आगे बढ़ते हैं 54, कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, आज जान लीजिए किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और एक से बड़ी नहीं हो सकती है, इसमें एक से बड़ी तो हमको कहीं नजर आ नहीं रहा, ऋणात्मक जरूर नजर आ रहा है, ऑप्शन इसका डी होगा, जो माइनस में है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है और एक से बड़ा भी होगा तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। बचपन कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है, अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब कह रहा है √2 एक है अपरिमेय संख्या,
क्योंकि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी तरह रूट टू का कोई वर्गमूल नहीं होता है। 57 है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? सी नंबर 16 का हो जाएगा 4, 25 का हो जाएगा 5। 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5, यानी सी होगा। 58 नंबर, कारा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 11, 11 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, यानी डी इसका आंसर होगा। कितना? डी, समझ गए? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, 58 दो दो। अब कह रहा है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक का रूप आपका होगा डी, क्योंकि पी का मान 1 रखिए 2, पी का मान 2 रखिए 4, पी का मान 3 रखिए 6, ये प्राप्त होगा। ये सब नहीं होगा, डी ऑप्शन डी, क्योंकि 2 से ही सम स्टार्ट होता है तो सम प्राप्त हो रहा है। 59 कारा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आप देखिए, विषम विषम के लिए आपका हो जाएगा c, क्योंकि m का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 और +1 5। और इस सम में देखिए कुछ भी रखिए, 1 रखिए 4 एकम 4 4 2 6, 4 एकम 4 4 8, सम को करता है, विषम को सिर्फ यही निर्देश करता है। 60 नंबर, सहअभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, सहअभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है, 1 याद रखेगा, क्योंकि एक ही मोसो के कारण वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। 61, आप देखिए 2.13 फिर 1 1 3, इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी एगो दो आ रहा है, सॉरी कभी एगो एक आ रहा है, कभी दो गो एक आ रहा है, कभी तीन गो एक आ रहा है, इसलिए गारंटी जिसमें नहीं हो वो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते 62, कारा यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लोसो ए गुना बी सी आंसर होगा। जब किसी संख्या का एलसीएम नहीं होता है तो गुना कर दिया जाता है, तो ए गुना बी होगा इसका आंसर। अभाज्य संख्या में क्योंकि एलसीएम नहीं होता है इसलिए उसको गुना कर दिया। 63, सिंपल सा है, 2, 10, 20 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो चलिए सबसे पहले लोसो निकाल लेते, 2, 10, 20, 2 से कितना बार में, कितना बार में, एक बार में, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर 5 से 1 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 गुना 10 10 10 10 2 गुना 20। और इसका एचसीएफ का बात किया जाए तो ये दोनों सब में कॉमन क्या आएगा, 2 ही आएगा कॉमन, एचसीएफ 2 होगा। तो लॉसो और मोसो का अनुपात, तो लॉसो बटे मोसो, लोसो का मान 20 और मोसो का मान 2, तो 10 बार में, यानी 10 अनुपात 1।
10:1, ऑप्शन बी राइट आंसर। 10:1 आंसर राइट आंसर। चलिए 64, कह रहा है यदि बहुपद इतना है तो शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, तो बी का स्थान कौन ले रहा है, ए, ए का स्थान कौन ले रहा है, सी, तो माइनस ए बाय सी कहाँ है, ऑप्शन में ही नहीं है, माइनस ए बाय सी होगा, माइनस ए बाय सी, क्योंकि बी का स्थान ये ले रहा है, ए का स्थान ये, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग 5 गुणनफल 12, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर इसका मान माइनस 5x प्लस 12, ये कहाँ है आपको, सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते, कारा एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। आगे बढ़ते हैं। कारा यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 3a+33 का मान ज्ञात, निम्न से क्या है, 3 अल्फा है, ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग रॉन्ग बुझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, कह रहा है इतना बहुपद दिया शून्य शून्यंक ए और 3 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आराम से हो जाएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू 5, ए का मान 1, यानी माइनस 5, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। तारा वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ज्ञात करें। वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती वह बिंदु होगा, अब देखिए सबसे पहले y अक्ष पर काटती है तो y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होगा 0, y, ठीक, इस सरल रैखिक समीकरण में लिखिए 2x+3y-6=0, इसमें x का मान 0 है तो 0 रख दिए, 3y-6=0, अब 3y इधर माइनस 6 इधर y बराबर 6/3, कट कर कितना 2, अब हो जाएगा 0,2 है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा।
70 नंबर। कह रहा है दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ कितना होगा एक हल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक हल आगे बढ़ते हैं। 71 सारा, यदि समीकरण इतना का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा तो ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल सी वन बाय सी टू। तो यानी आपको ए वन का मान 3, ए टू का मान 6, माइनस 1 माइनस 2 नॉट इक्वल सी वन का मान -5 माइनस के, माइनस माइनस खत्म। चलिए आपका हो जाएगा के नॉट इक्वल 5 × 10, आपका सी नंबर आंसर, सी नंबर, सी नंबर आंसर होगा सी। बहत्तर नंबर, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना, अब देखिए 1/3 है बराबर 2/12 है, नहीं कटेगा 6 नॉट इक्वल, यानी एकल हल होगा, एकल हल होगा क्योंकि पहला ही बराबर नहीं है, एकल हल होगा। अगला सवाल 73, अब कह रहा है अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होगा तो हो जाएगा आपका ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, 1/5 बराबर 2/k और बाद 3/15, कोई भी लेकर चलिए 1/5 2/k तो हो जाएगा के बराबर 10, के बराबर 10, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की परिवर्ति क्या होगी, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कोई जरूरी नहीं, इनमें से कोई कोई जरूरी नहीं, क्योंकि परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि परिमेय और परिमेय कुछ। चल ठीक है, पचहत्तर कारा, यदि ए तथा अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर, अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a -√3, माइनस बी का वैल्यू कितना -√3 1 -√3, ये हो जाएगा 3√3 -√3 यानी 2√3, 2√3 कहाँ है सी राइट आंसर, सी सी राइट आंसर, देख लिए। अगला छिहत्तर, कह रहा है मूल समान हो तो मूल समान होगा डायरेक्ट डी बराबर 0 दीजिए, डी के नीचे b² - 4ac = 0, अब बी का मान क्या है 3k,
स्क्वायर माइनस 4a(9) c(4) बराबर 0। 3 3 9 के स्क्वायर 9 चौक 36, 36 चौके 36 6 चौके 24, बाकी 2 4 4 144 बराबर 0। 9 के स्क्वायर 144 16 बार के बराबर 16 प्लस माइनस के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस चार ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चल आगे बढ़ते, तारा 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 8 का गुणज 8 होगा, 16 होगा 24 होगा डॉट। ए बराबर 8, डी बराबर ए टू माइनस ए वन यानी 16 माइनस 8 घटकर 8। अब एस एन बराबर एन माइनस एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान 15/2, 2 ए का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8, 15/2, 8 2 16 और 14 8 है बोलो तर से। अब देखिए 15/2 गुना हो जाएगा 8 2 1 कट जाएगा 64 960 होगा। अच्छा कर लेते हैं, 64 गुना 15 4 5 20 बाकी 2 6 5 30 32 4 6 960 960 आंसर होगा, 960 ऑप्शन डी, 960 आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए कह रहा है प्रथम 10 पदों का ए बराबर 2, डी बराबर a2 - a1 यानी 7 - 2 यानी 5 यानी 10 पद का योग। Sn निकाल लीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अतः 10/2 n का a का मान कितना 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान कितना 5 5 4 9 5 45 तो 5 × 49 9 5 45 4 5 20 2 45 245 ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ए बराबर हो जाएगा आपका -40, डी बराबर a2 - a1 -15 - -40 25। दसवां पद चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना -40 प्लस डी का एन का मान कितना है दसवां 10 - 1 × d = 25 -40 + 9 कितना हो जाएगा 225।
185, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। अस्सी, कारण निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? 2, 4, 8 नहीं, ये आपका बी आंसर होगा, आपका ये आंसर होगा, और ये सवाल हम एक बार और करा चुके हैं। एकासी, अभी तुरंत बताए थे, चाहे सभी वृत्त हो, सभी वर्ग हो, सभी समबाहु त्रिभुज हो, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते, समरूप होते। चलिए आगे बढ़ते। 82, कारण दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 4:9, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर भुजा का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है समरूप में, तो स्क्वायर कर दीजिए। अगर क्षेत्रफल का अनुपात है, भुजा का अनुपात मांग रहा है, तो रूट चढ़ा दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81, ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन इसका डी। चलिए आगे बढ़ते। तेरासी, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 10, बीसी बराबर 8, एसी बराबर 6, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना? ए बी यहां रख दीजिए, सी 10, 8, 6, सी मांग रहा है 90 डिग्री, समकोण, सी समकोण होगा, क्योंकि वर्का स्क्वायर कीजिए, 8, 8, 64, 66, 36 जोड़ दीजिए, 100, इसके बराबर हो जाता, इसके बराबर हो जाएगा समकोण। आगे 84, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगला 85, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतना है, तो उनके क्षेत्र, उनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, वही 3, 3, 9, 5, 25, 9:25, यानी ए ऑप्शन होगा, 3, 3, 9, 5, 25 ए अनुसर होगा। चलिए 86, कह रहा है कौन ए बराबर 90, बीसी बराबर 13, ए बी बराबर 12। चलिए एक फिगर बनाते हैं, इस जगह ए लिख दीजिए, अब बी आइजा सी लिखिए, ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 13, इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि 13, 13, 169, 144, 25, 5 होगा, 5 सीएम निकाल लीजिएगा। कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी, तो इसकी एक भुजा की लंबाई होगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए समचतुर्भुज है, ठीक ना, इसकी विकर्ण एक है कितना 30 और एक है आपकी 40, पूरा,
और ये जो विकर्ण होता है ना, आपस में एक दूसरे से लंब सम विभाजित होता है। 40 है तो कितना कितना भाग में बटेगा, 20 20। 30 है तो कितना कितना भाग में बटेगा, 15 15। अब देखिए ऐजा होता है लंब सम विभाजक, ऐजा 90 डिग्री का बनाएगा। अब देखिए 20 विसंगर 400 एकड़ हो जाएगा 225, यानी जोड़िएगा तो 625 होता है। इसका मान रूट 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लंब सम विभाजक होता है विकर्ण का। और देखिए लंब सम विभाजक मतलब पूरा 40 था 20 ले लिया, ही आई 15 ले लिया, इसके सम्मुख कर्ण हो गया ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दीजिए, आपको 25 सेंटीमीटर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा -4 -8 किस चतुर्थांश में है, द्वितीय। ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि माइनस माइनस दोनों सेकेंड चतुर्थांश में ही होता है। 89 तारा दो अक्षों को प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाते हैं, मूल बिंदु। दो अक्ष जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। 89 हो गया आपका, 90। नब्बे में बीच की दूरी मांग रहा है, -1.3 -5.7 x1 y1 x2 y2। ए बी की बीच की दूरी क्या है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर x2 का मान -5 - -+1, y2 का मान 7 3, हो जाएगा 4 चौके 16 यानी रूट 32 यानी 4√2 ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 4√2 ऑप्शन ए।